बच्चों, प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसमें कई पदार्थों का निर्माण होता है, कई पदार्थों का अपघटन होते रहता है, जैसा कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जब प्रोटीनीय पदार्थों का अपघटन होता है तो उससे यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। और ये जो पदार्थ होते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसे शरीर के बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो इसे शरीर के बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, और ये उत्सर्जन तंत्र की सहायता से ही उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। दो नंबर के लिए प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उत्सर्जन बच्चों, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे उत्सर्जन तंत्र का चित्र। ये चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि परीक्षा में ये चित्र पूछा जाता है। अब इस उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जोड़ी वृक्क है, मतलब किडनी है। उसके बाद किडनी से निकली हुई मूत्रवाहिनी है, फिर है मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, तो हमने पढ़ा है हृदय के बारे में। पूरे शरीर से रक्त हृदय में पहुंचता है। अब हृदय से रक्त को वृक्क धमनी इन दोनों किडनियों में लेकर आती है, दोनों वृक्क में लेकर आती है। जैसे ही रक्त इन दोनों किडनियों में पहुंचता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो किडनी, एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। ये जो किडनी होती है, इसका आकार अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम के बीच के जैसा आकार है, और ये भूरे लाल रंग की होती है। अब इसका पोजीशन देखें कि कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये हमारी पीठ के तरफ, यहाँ पर देखिए आप इसकी पोजीशन, पीठ के तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में ये स्थित होती है। तो हृदय से रक्त को ये वृक्क धमनी दोनों वृक्क में लेकर आती है। जैसे यहाँ पर रक्त पहुँचता है, यहाँ पर छनने की प्रक्रिया शुरू होती है। छनने की मतलब, क्योंकि रक्त के साथ बहुत सारे अवयव भी आते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ अनुपयोगी होते हैं, इसलिए वृक्क में छनने की प्रक्रिया होती है। और छनने की प्रक्रिया के दौरान मूत्र का निर्माण होता है। फिर ये जो मूत्र बनता है, ये मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा रहता है। मूत्राशय में तब तक इकट्ठा रहता है जब तक इस पर दाब न बढ़ जाए, और फिर समय के साथ साथ या समय आने पर मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है उत्सर्जन की। लेकिन हमको ये जानना है कि ये उत्सर्जन में जो मूत्र का निर्माण हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि छनने की प्रक्रिया हो रही है। अब आप देखेंगे कि जो किडनी है, इसके अंदर की संरचना को हमें जानना है, अंदर में कैसे होता है प्रक्रिया, इसको हमको समझना है। तो किडनी जो कि उत्सर्जन अंग है, इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वृक्काणु, या जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नेफ्रॉन का चित्र। नेफ्रॉन जो है, ये किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो एग्ज़ाम में अगर नेफ्रॉन की कार्यविधि आई, नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि आई, तब आपको नेफ्रॉन का ये चित्र बनाना होगा। उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर आपको नहीं बनाना होगा। और उत्सर्जन तंत्र पूछेगा तो अभी मैंने दिखाया आपको उत्सर्जन तंत्र कैसे बनाना है, और अगर नेफ्रॉन पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है। तो मैंने बताया कि ये वृक्क की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क में लाखों बारीक नलियां होती है, वृक्क के अंदर में लाखों बारीक नलियां होती है, और
यही जो लाखों बालिक नलियां होती है, यही है ये वृक्काणु, जिसमें हमने केवल एक वृक्काणु बता रही हूँ यहाँ पर मैं, एक वृक्काणु की संरचना है, ऐसी कितनी होती है, लाखों की संख्या में होती है। और इन्हीं वृक्काणु से ये किडनी का निर्माण होता है। तो किडनी की सबसे छोटी जो इकाई है वो है वृक्काणु। तो अब वृक्काणु की संरचना आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कपनुमा आकृति दिख रही है। तो कपनुमा आकृति जो है ये कहलाती है बोमेन कैप्सूल, या इसको कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट से अंदर में, बोमेन संपुट के अंदर में कोशिकाओं का जाल होता है, और इस कोशिकाओं के जाल को हम कहते हैं कोशिका गुच्छ, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्क धमनी की शाखाएं भी है, वृक्क शिराओं की शाखाएं भी है, और ये कोशिका का जो जाल होता है ये सब आसपास रहते हैं। और इसी प्रकार से बोमेन संपुट से आप देख रहे हैं एक नलिकाकार संरचना बाहर निकल रही है। ठीक है, ये जो नलिकाकार संरचना बाहर निकल रही है तो पहले ये एक कुंडलित समीपस्थ नलिका का निर्माण कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कुंडलित समीपस्थ नलिका। इसके बाद ये नलिका आगे बढ़ रही है और कुछ यू आकार की आकृति बना रही है। इसका नाम है हेनले लूप, क्योंकि लूप की जैसे आकृति का निर्माण कर रही है। यही हेनले लूप आगे में एक और नलिका का निर्माण कर रहा है जो कहलाती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके आगे में आप देख रहे हैं एक और नलिका है जिसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका। ये पूरा जो संरचना है, पूरी जो संरचना है ये किडनी के अंदर में होती है। किडनी को हम बाहर से ऐसे देख रहे हैं लेकिन अंदर में ये ऐसी लाखों की संख्या में नलिका होती है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने बताया वृक्क धमनी के द्वारा रक्त जो है कहाँ पर पहुँचता है, वृक्क में, मतलब किडनी में। तो किडनी में कहाँ पर पहुँच रहा है, तो किडनी में ये जो बोमेन कैप्सूल के अंदर में जो कोशिका गुच्छ का हिस्सा है वहाँ पर धमनी की शाखा और शिराओं की शाखा उपस्थित होती है, और धमनी की शाखाओं के द्वारा जो रक्त है यहाँ पर पहुँचता है। अब इस रक्त के साथ साथ बहुत सारे रक्त में उपस्थित लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब भी रक्त में उपस्थित रहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में यूरिया रहता है, पानी भी रहता है, कुछ प्रोटीनीय पदार्थ भी रहते हैं जो रक्त में उपस्थित रहते हैं, और ये सभी पहुँचते हैं इस वृक्काणु के अंदर में, मतलब ये कोशिका गुच्छे के जगह पर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये पहुँचते हैं तो सबसे पहले छनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो छनन की प्रक्रिया मतलब उपयोगी पदार्थ को छान लिया जाता है, अनुपयोगी पदार्थ को निकाल दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे ऐसे पदार्थ, ये जो रक्त में उपस्थित पदार्थ नलिका से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, ये बोमेन संपुट से जो नलिका निकल रही है कुंडलित समीपस्थ नलिका में ये पदार्थ आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहाँ जाएंगे, ये हेनले लूप में जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये हेनले लूप में ये रक्त में उपस्थित पदार्थ पहुँचते हैं, मतलब रक्त पहुँचता है, तो उपयोगी पदार्थ को फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये निर्भर करेगा कि आपके शरीर में किस पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर रक्त में इन पदार्थों का फिर से अवशोषण होता है जिसको हम कहते हैं पुनः अवशोषण। तो अब इन पदार्थों को कौन लेके जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वृक्ष शिरा की शाखाएँ फैली हुई है। ये वृक्क शिराएं क्या करेगी, ये उपयोगी जो रक्त है जिसमें उपयोगी पदार्थ है, इस रक्त को पुनः पूरे शरीर में पहुंचाएगी। तो अब आगे क्या होता है, अनुपयोगी पदार्थ। अनुपयोगी पदार्थ मतलब अधिक मात्रा में जो यूरिया है, अधिक मात्रा में जो पानी है, अन्य व्यर्थ पदार्थ जो है ये मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये दूरस्थ नलिका में आएंगे, दूरस्थ नलिका से संग्राहक नलिका में, मतलब यहाँ पर ये संग्राहक नलिका में जमा रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब ये किडनी के अंदर में हो रहा है। अब किडनी के पास से एक मूत्र वाहिनी निकल रही है, मतलब यहाँ पर मूत्र का निर्माण हो गया जिसमें अनुपयोगी पदार्थ है जैसे कि यूरिया है, कुछ व्यर्थ पदार्थ है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, इसे बाहर निकालना है। तब क्या होगा, ये मूत्राशय मूत्र वाहिनी से होते हुए
कहाँ पर आ जाएंगे मूत्राशय में, मतलब जो यूरिन बना, मूत्र बना, ये मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा रहेगा। अब ये जो मूत्राशय आपको दिख रहा है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर, ये पेशी ऊतक से बनी हुई संरचना है। और ये जो मूत्राशय होता है ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। मतलब जब यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन जब यहाँ पर जमा रहता है, कब तक जमा रहेगा? जब तक इस पर दाब न बढ़ जाए। और जब इस पर दाब बढ़ेगा तब क्या किया जाता है, मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये टोटल जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। इस प्रकार से जो हमारा शरीर में वृक्काणु होते हैं, किडनी में उपस्थित जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये इस प्रकार से रक्त को छानने के का कार्य करते हैं और इसमें पुनः अवशोषण की भी क्रिया होती है। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसी हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इस प्रकार से पूरी उत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो बच्चों अब प्रश्न ये आता है कि मान लिया जाए अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाए तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी से काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से या एक्सीडेंट से या किसी दूसरे रीज़न से अगर हमारी किडनी, दोनों किडनियां खराब हो जाए तब क्या किया जाए? तब बच्चों एक प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं कृत्रिम वृक्क के द्वारा एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया की जाती है। प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर में हो रही है, यहाँ पर हमने कोई मशीन नहीं लगाई है। लेकिन मान लिया जाए कि हमारी किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम तरीके से हम एक डायलाइजर मशीन की सहायता से डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया की जाती है। अब ये कैसे होती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट है और उसके हाथों से कुछ सुई लगाई हुई है, ठीक है, सिरिंज लगाई हुई है और ये सिरिंज जो है एक मशीन में जा रही है। ये जो मशीन है ये है डायलाइजर मशीन, और इस डायलाइजर मशीन में बहुत सारी झिल्लियाँ होती है जो इस रक्त को छानने का काम करती हैं। अब देखो क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा जिसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, अब इनके शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, जिसको हमें छानना है, तो ये वृक्क धमनी के द्वारा इस मशीन में डाल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डायलाइजर मशीन। और इस मशीन के अंदर में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्लियाँ होती है, जिनसे ये रक्त छनता है। छनने के बाद आप देख रहे हैं एक तरफ मूत्र का निर्माण हो रहा है जो अनुपयोगी है, इसे तो फेंक दिया जाएगा, और दूसरी तरफ उपयोगी रक्त जो है जिसको हमारे शरीर में, जिसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ है, इसको हमारे शरीर के, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है, तो इसे फिर से वृक्क शिरा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं डायलिसिस। बच्चों क्या आप जानते हैं एक वयस्क व्यक्ति में एक दिन में लगभग 170 लीटर रक्त वृक्क से होकर गुजरता है और जिसमें से लगभग 1.5 लीटर ही मूत्र का निर्माण होता है, और शेष जो द्रव होता है उसका अधिकांश भाग पुनः रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब वातावरण गर्म होता है या शुष्क होता है तब मूत्र की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, या कभी कभी हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में मूत्र त्यागना होता है। तो इस मूत्र में पानी के अलावा बहुत सारे ऐसे अवयव भी पाए जाते हैं, जैसे जिसकी बात अभी हमने की थी, यूरिया है, अमीनो अम्ल है, बहुत सारे प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं जो मूत्र में पाए जाते हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आप यूरिन टेस्ट कराइए, आपके मूत्र की जाँच करिए, तो उससे ये पता चलेगा कि मूत्र में अवयव की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है या कम है। तो बच्चों आइए हम एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करते हैं। 7.2.9 उत्सर्जन तंत्र और उससे जुड़ी संरचनाएं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू इट। सामान्य वातावरणीय स्थिति में हमारे शरीर से एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र निकलता है। यदि वातावरण गर्म और शुष्क हो तो आपने अनुभव किया होगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। ज़्यादा पानी पीने से मूत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ज़्यादा पसीना निकलने से आपका मूत्र भी ज़्यादा होता है? अधिक मात्रा में पानी पीने से हमें कई बार मूत्र त्यागना पड़ता है। पानी के अलावा मूत्र में कई अन्य अवयव भी होते हैं। अक्सर बीमार होने पर डॉक्टर मूत्र और रक्त के अवयवों की जांच करवाने को लिख देते हैं। क्रियाकलाप 7। आइए हम एक व्यक्ति के जांच रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों का अवलोकन करके उसके रक्त और मूत्र के कुछ अवयवों की तुलना करते हैं। सारणी 1, रक्त और मूत्र की तुलनात्मक अध्ययन हेतु कुछ आंकड़े। रक्त और मूत्र में हम ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुल प्रोटीन जैसे अवयवों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज की रक्त में सामान्य सीमा 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 82 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह मूत्र में सामान्य सीमा 50 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 65 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह यूरिया की रक्त में सामान्य मात्रा 15 से 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 29 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और मूत्र में सामान्य मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। यूरिक अम्ल की रक्त में सामान्य मात्रा 3 से 5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 7.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह मूत्र में 600 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। कुल प्रोटीन जैसे अवयव की रक्त में सामान्य मात्रा 6 से 7.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 7.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर तथा मूत्र में 0.1 ग्राम प्रतिदिन से कम आना चाहिए, लेकिन परिणाम आया 0.9 ग्राम प्रतिदिन। खाना खाए बिना लिया हुआ आंकड़ा। mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर। रिपोर्ट देखकर बताइए कि उपरोक्त व्यक्ति के मूत्र में किन अवयवों की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक है। रक्त में कौन से अवयव की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक है? क्या मूत्र में भी ऐसा ही है? मूत्र में पाए जाने वाले अवयवों की मात्रा ग्रहण किए गए भोजन के प्रकार और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो मूत्र में पाए जाने वाले अवयव की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितना भोजन लिया है, साथ ही आपने जो भोजन लिया है वो किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करेगा कि मूत्र में अवयव की मात्रा कितनी रहेगी। तो बच्चों, हमारे शरीर में जिन पदार्थों का हम निष्कासन कर रहे हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर से हम बाहर कर रहे हैं, ये हमारे लिए तो अनुपयोगी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके लिए ये पदार्थ जो होते हैं उपयोगी होते हैं। तो जो व्यर्थ पदार्थ एक जीव के लिए अनुपयोगी है, वही व्यर्थ पदार्थ दूसरे जीव के लिए पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि प्रकृति में पदार्थों का चक्र या चक्रीकरण ऐसे ही होता है। एक पदार्थ जिसके लिए अनुपयोगी, वही वो पदार्थ जो होता है दूसरे जीव के लिए उपयोगी होता है। आइए कुछ प्रश्नों पर हम एक नज़र डालते हैं और इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य जंतुओं के द्वारा जो निष्कासित पदार्थ होते हैं वो पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होंगे। दूसरा प्रश्न है, पौधे इन पदार्थों का उपयोग किस प्रकार से करते होंगे। तो बच्चों, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पौधे इन पदार्थों का उपयोग करके ऐसे और कौन से पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ऐसी कौन सी जैविक प्रक्रियाएं इन पौधों में होती है जिनसे
जो भी पदार्थ बनते हैं उस पर पूरा जंतु जगत निर्भर रहता है। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे हमारे अगले टॉपिक में। तो हमारा अगला टॉपिक है पौधों में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। बच्चों, काफ़ी लंबे समय से ये मान्यता थी कि जैविक प्रक्रियाएं जो होती है ये केवल जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं होती है। और बहुत लोगों की धारणा ये थी कि जो पौधे होते हैं ये केवल मिट्टी से ही पोषण प्राप्त करते हैं और मिट्टी से ही इनकी वृद्धि होती है, अन्य कोई चीज़ें पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। और करीब 2000 साल पहले से जो अरस्तु वैज्ञानिक थे उनकी भी यही मान्यता थी कि जो पौधे होते हैं ये मिट्टी से ही बढ़ते हैं। महज 400 साल पूर्व कुछ प्रयोग हुए पौधों पर और जिनसे ये पता चला कि पौधों में भी कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती है। तो अब हम बात करेंगे पौधों में पोषण व श्वसन की। तो 17वीं शताब्दी में वॉन हेलमंट नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि पौधों पर मिट्टी की भूमिका के साथ साथ पानी की भूमिका का भी अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक विलो के पौधे को लिया। विलो के पौधे को उन्होंने एक गमले में लगाया। विलो के पौधे का पहले उन्होंने वजन कर लिया था, लगभग उन्होंने 2 किलोग्राम विलो के पौधे को लिया। और जो मिट्टी उन्होंने ली थी, जो गमले में डाली थी, उस मिट्टी का भी उन्होंने वजन कर लिया और गमले में उस पौधे को लगाया। और इस गमले को उन्होंने ढाक के रखा और इस प्रकार से ढाक के रखा कि उसमें केवल पानी से उस पौधे को सींच सके, बाकी अन्य कोई चीज़ इसमें प्रवेश ना कर सके। ऐसा वे 5 साल तक करते रहे और पानी को हर रोज़ वो नापते थे और इस विलो के पौधे को उस नापे हुए पानी से सींचते थे। 5 साल बाद उन्होंने फिर से इस पौधे का और मिट्टी का वज़न लिया और उन्होंने देखा कि पौधे का वज़न जो कि 2 किलोग्राम था ये 35 गुना बढ़ गया है और मिट्टी जो गमले में ली थी उसके वज़न में महज 50 ग्राम का ही अंतर आया। मतलब मिट्टी में उतना फ़र्क नहीं पड़ा जबकि पौधे का वज़न बहुत अधिक बढ़ गया। तो इससे हेलमंट ने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे जो होते हैं केवल मिट्टी से नहीं बढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पानी की भी भूमिका होती है, पानी की भी उतनी भूमिका होती है जिससे पौधे वृद्धि करते हैं और उनके वजन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन उस समय हेलमंट हवा के बारे में नहीं बता पाए थे, हवा को वो नज़रअंदाज कर गए थे कि हवा की भी कुछ भूमिका होती है, ये वो नहीं बता पाए थे क्योंकि उस समय हवा में उपस्थित गैस के बारे में खोज हो रही थी और हवा में कौन कौन सी गैसें उपस्थित है इसके बारे में इस प्रयोग के लगभग 100 साल बाद पता चला। साथ ही उस समय हवा पर अध्ययन शुरू हो गया था और पौधों के पोषण में गैस की भूमिका के बारे में भी पता लगाया गया था। तो उस समय बच्चों जोसेफ प्रिस्टल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हवा में एक गैस को खोज निकाला था और ये गैस ऐसी थी जिससे चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से जलती थी। और उस समय ये जोसेफ प्रिस्टले एक प्रयोग कर रहे थे और वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं 4 जार है और जार के अंदर में मोमबत्ती और एक जार में आप देख रहे हैं चूहा रखा हुआ है। तो अ जार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अ जार में एक मोमबत्ती दिख रही है लेकिन ये मोमबत्ती बुझी हुई है। वैसे ही ब जार में आप देख रहे हैं कि एक पौधा है, पौधे के साथ मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। स जार में आप देख रहे हैं कि चूहा बस है जो कि मरा हुआ है और द जो जार है इसके अंदर में एक पौधा है और चूहा जिंदा दिख रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रयोग किया था और
इस प्रयोग में उन्होंने बेल जार के अंदर में चीज़ों को ढक के रखा था। तो आप इसका अवलोकन जब करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जब अ जो बेल जार है अ और स, इसमें मोमबत्ती है अ में और स में क्या है, चूहा है जो कि मरा हुआ है, मोमबत्ती बुझी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ देर ये मोमबत्ती जली होगी और उसके बाद ये बुझ गई होगी। ऐसे ही जो चूहा है कुछ देर जिंदा रहा होगा और कुछ समय बाद ये मर गया। अब आप देखिए ब और द जार को, तो आप देख रहे हैं कि ब जो जार है इसके अंदर में पौधा है और मोमबत्ती जल रही है, ऐसे ही द में भी पौधा है और चूहा जिंदा है। तो इससे ये प्रयोग जब प्रिस्टल ने किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं के सांस लेने के लिए, मतलब जैसे चूहे के सांस लेने के लिए और मोमबत्ती के जलने के लिए हवा में जिस अवयव का उपयोग हो रहा था वो अवयव कौन बना रहे थे, ये पौधे बना रहे थे। और ये कौन सा अवयव बना रहे थे या कौन से गैस का निर्माण कर रहे थे जिसके कारण मोमबत्ती जल रही थी और चूहा जिंदा था। और उस अवयव का नाम उस समय तो नहीं बताया गया, लेकिन कई सालों बाद इस अवयव का नाम रखा गया ऑक्सीजन। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मोमबत्ती है वो जलती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीव है वो जीवित रहता है। तो अ में बुझ गई थी क्योंकि ऑक्सीजन कुछ देर थी वहाँ पर, क्योंकि बंद था जार और ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो मोमबत्ती भी बुझ गई। ऐसे ही चूहा जितने ऑक्सीजन अंदर थी उतना उपयोग किया, उस समय तक वो जीवित रहा, बाद में वो मर गया। लेकिन जिस जार के अंदर में पौधे रखे थे, पौधे क्या बना रहे थे, ऑक्सीजन गैस बना रहे थे और उसी ऑक्सीजन के उपयोग करके मोमबत्ती जल रही थी और जो चूहा था वो जिंदा था। तो लोगों को ये तसल्ली हुई उस समय कि चलिए जब तक पेड़ पौधे है इस पृथ्वी पर तब तक हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, मतलब ऑक्सीजन तब तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन प्रश्न ये आ रहा था, सवाल ये आ रहा था कि पौधों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वे ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आपने जंतुओं में होने वाली श्वसन की क्रिया के बारे में पढ़ा है। श्वसन की क्रिया जब होती है कोशिकाओं में तब ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करता है और ग्लूकोज का अपघटन होता है और ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रही है इनकी क्रिया कराई जाए तब क्या होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर उस समय ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने ये जाना कि पौधों में दिन रात चलने वाली श्वसन की क्रिया के अलावा एक और प्रक्रिया होती है जो केवल दिन के समय में होती है, और ये जो दिन के समय में प्रक्रिया होती है तब पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब प्रश्न ये आया कि पौधे को ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से प्राप्त हो रही, क्योंकि कोई भी जीव को जैविक प्रक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब पौधों को ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही होंगी कि वे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो उस समय 18वीं शताब्दी में ही जे इंगिन हाउस भी इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास कर रहे थे कि पौधों को जो ऊर्जा है ये कहाँ से मिल रही थी, और वे भी ये प्रयोग कर रहे थे। तो उन्हीं का एक प्रयोग है बच्चों, चलिए हम इसे करके देखते हैं।